हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो एक हमारा यूपीएस होता है, जो कंप्यूटर पे लगता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे समझा जाएगा और कैसे रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटेक्स का यूपीएस है। तो जो यूपीएस होता है उसमें 99% प्रॉब्लम हमारे जो बैटरी होती है यूपीएस के अंदर उसकी होती है। वैसे इसमें 1% ही प्रॉब्लम होती है, जैसे ट्रांसफार्मर की, ठीक है, और जो इसमें सर्किट होता है एक उसकी, और ये जो डोरी की होती है हमारी वायर यहाँ से या फिर यहाँ से, 1% प्रॉब्लम होती है इनकी। लगभग आपको प्रॉब्लम बैटरी की ही मिलेगी यूपीएस में। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि जो बैटरी की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमारा यूपीएस है, इसमें कैसे पता चले कि हमारे जो यूपीएस में है वो बैटरी की प्रॉब्लम है या फिर और कोई अदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जैसे दोस्तों हमने यूपीएस ऑन किया और हमारा जो कंप्यूटर है वो चल रहा है और लाइट चली जाती है, तब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है लाइट जाने के बाद, तो प्रॉब्लम आपकी लगभग बैटरी की होगी। ठीक है, अगर आपके जो यूपीएस में है पावर ही नहीं आ रही, या तो बैटरी की या फिर जो हमारी जो लाइट होती है वो भी सप्लाई नहीं दे रहा यूपीएस, तो हमारी प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। जैसे इसकी वायर की भी हो सकती है, अंदर सर्किट में भी हो सकती है, या आगे एक बटन होता है इसकी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें समझना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम बैटरी की होती है, कौन सी सर्किट की होती है, कौन सी ट्रांसफार्मर की होती है और कौन सी इसकी वायर की होती है। तो दोस्तों आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जो ये यूपीएस है इसको खोल लेते हैं। दोस्तों आज हम आपको बैटरी की प्रॉब्लम दिखाएंगे, जो इसमें यूपीएस में बैटरी की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों इसमें आपकी एक प्रॉब्लम और सोल्व हो जाएगी, जो कि है कि हाउ टू चेंज यूपीएस बैटरी या रिप्लेस बैटरी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूपीएस की बैटरी को चेंज और रिप्लेस किया जाता। ये देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा ये यूपीएस है ये खोल दिया है। ठीक है, ये इसमें सर्किट है, ठीक है, ये कार्ड है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए, जो ये बटन है इसी पे काम करता है। ठीक है, ये बैटरी है हमारी, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर है। इनसे अलग आपको कोई भी कंपोनेंट यूपीएस में नहीं मिलेगा। ये आपका आउटपुट सेशन है जो यहाँ पे आ रहा है, ये इनपुट सेशन है जो यहाँ से लाइट आती है, ट्रांसफार्मर में जाती है, कार्ड में जाती है और फिर इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये बैटरी के दो पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट है आपको आज जो पहला पॉइंट है वो बता देता हूँ, बैटरी की प्रॉब्लम। ठीक है, वो मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे कि अगर आपका सिस्टम चल रहा है और लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम बैटरी की है। इस केस में आपको बैटरी चेंज करनी होगी। अगर आपका ट्रांसफार्मर ओके है और कार्ड भी ओके है और ये जो वायर है ये भी ओके है, तो उस केस में आपकी बैटरी फॉल्टी मिलेगी। इसमें आपको अब ये बता देता हूं मैं कि बैटरी को कैसे चेंज किया जाता है। जो आपकी ये रेड वायर है इसके रेड पॉइंट से अटैच है, मतलब प्लस पॉइंट से, ठीक है, और ये इसका ब्लैक पॉइंट, ठीक है, और ये जो ब्लैक वायर है तो इसके ब्लैक पॉइंट से अटैच है, मतलब कि ग्राउंड माइनस पॉइंट से। ठीक है, बस आपको ये ही ध्यान रखना है कि कौन सी वायर माइनस से अटैच है और कौन सी वायर प्लस से। रेड वायर वाली जो होती है वो प्लस से होती है, ब्लैक वाली माइनस से होती है। अगर जो ये वायर के कलर है ये अलग हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लो कि कौन सी वायर प्लस पे है और कौन सी वायर माइनस पे है। ठीक है, फिर इनको निकाल दो। ठीक है, ये निकाल दिया हमने एक और ये निकाल दिया। ठीक है, अब आपको बस यही करना है, ये वायर हटानी है और इस बैटरी को निकाल लेना है। ठीक है, हमने ये बैटरी निकाल दी है, अब इसमें हम नई बैटरी लगाएंगे। और दोस्तों ये जो नई बैटरी है ये आपको जैसे इसमें ये पुरानी बैटरी थी ना, ऐसे ही आराम से डाल देनी है, और इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है और लगभग आपको
अराउंड 700 रुपये के आसपास आपको ये मार्केट से मिल जाएगी। ये दोस्तों आपको या तो कंप्यूटर शॉप पे मिल जाएगी, अगर वहां पे नहीं मिलती है, जहां पे आपको इन्वर्टर मिलते हैं, इन्वर्टर की बैटरी मिलती है, वहां पे आपको 100% ये बैटरी मिल जाएगी। ये यूपीएस की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट है, ठीक है, जो ये ब्लैक पॉइंट था ये आपको ब्लैक पॉइंट पे लगा देना है ऐसे, ठीक है, और जो ये रेड पॉइंट था रेड पे लगा देना है, और ये पॉइंट लगने के बाद आपको ये जो सर्किट पे है कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, यहाँ पे फिर वोल्टेज हाई हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपने ये लगा दिया, ठीक है, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बस 2 पॉइंट लगा देने हैं, ये थोड़े है अच्छी तरह से लगाएं, ठीक है। अगर लूज रहते हैं तो फिर आपकी बैटरी प्रॉपर रूप से चार्ज नहीं होगी या फिर प्रॉपर रूप से आउटपुट नहीं दे पाएगा यूपीएस, ठीक है दोस्तों। अब हम जो यूपीएस है इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप मार्केट में जाते हो अपने यूपीएस को ठीक कराने के लिए, तो दोस्तों अगर आपकी जो बैटरी है वो खराब है तो दुकानदार बोलता है कि भाई बैटरी खराब है एक तो, और आपके सर्किट में भी प्रॉब्लम है, वो अकेली बैटरी चेंज नहीं करता है, ये मार्केट का रूल है, ठीक है। तो दोस्तों आप घर पे ही चेक कर, तो दोस्तों आप घर पे ही जो अपना यूपीएस उसको चेक करके आराम से ठीक कर सकते हो, यूपीएस में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती लगभग, ठीक है। ये लगभग जो हमारी बैटरी है इसी की प्रॉब्लम होती है, और यूपीएस में कोई भी इससे अलग प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए दोस्तों, ठीक है, हमारा यूपीएस अब बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि जो एक यूपीएस होता है उसकी बैटरी को कैसे चेंज किया जाएगा, और जो बैटरी होती है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो एक यूपीएस का सर्किट होता है, ट्रांसफार्मर होता है और इसकी बैटरी होती है, इनको कैसे रिपेयर किया जाए। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।